जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? हाँ, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो मैं घर में आ चुकी हूँ। आज है बड़ी दिवाली, सबको बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पता नहीं ये वीडियो कब तक चलेगा, क्योंकि मैं अभी सीरीज में डाल रही हूँ शादी की वीडियो। तो देखती हूँ, शादी की बाद में कर दूंगी, ये वाली वीडियो में पहले डाल दूंगी। तो मेरा भाई छोड़ गया था आधे रास्ते तक। वहां से मैं बस में आई और बस से आके फिर नीचे पिपलू घाट तक जो है हनी चला गया था। ठीक है, तो अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, बस पायलें। मेरे को तो बस ये सारी ज्वेलरी एकदम से उतारनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को बहुत अड़ा लगता है। अड़ा अड़ा तो मैंने पायलें सब कुछ उतार दिया। तो बोलो भाई सब जने, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली गाइस। आज के दिन श्री रामचंद्र, देखो ये बैठे यहाँ पे मेरे पति देव। सब लोग बताओ, इनको ना कोई फर्क नहीं था मेरे यहाँ रहने ना रहने से। मस्त थे, बोलते तू दो चार दिन बाद क्यों नहीं आई। मैंने कहा चली जाऊंगी दिवाली को, ऐसा बोला सब ने मेरे को। मेरे बच्चों को मेरी कोई याद नहीं आ रही थी, मेरे पति को बोलते कोई दिक्कत नहीं, हम मजे में कर रहे थे यहाँ पे काम। गलत नहीं, झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। बोलो नहीं, मैं तो आया कर लू। बोल तू क्या क्या बोल रहे, क्या किया तुम लोगों ने? हमने कुछ नहीं किया ना। गलाई जाओ भाई, इतनी देर से इतनी बातें कर रहे थे ना ये लोग, दिमाग खराब कर दिया। धूप पे रखा हुआ, मैंने मटर पनीर लेके आई हूँ मैं यहाँ पे, देखो। और फ्रिज रखी हो ना, फिर बनाने से क्यों हम ना आईकुल भी बनाएंगे। देख थाली तो आवा तीजो बोला ये छीन दे पा रहे नहीं, ये करना पड़ो है। पता इसके लिए ना बहुत ज्यादा वो करनी पड़ती है। ये तो जब मैं तो आया नहीं मार, जमीगा भाई देखा नहीं पापा, लहसुन भी निकलेगा ना, पालक भी निकलेगा। क्या किलो था? 300 रुपये रहा है, इतना की हुआ चार दो पित्र बड़ा भारी है। इसका इतना भारी है, ये तो नहीं खाता, ये खावा जो भारी है। देखो गाइस, मैं यहाँ पे गई थी ना, मैंने इनको बोला था कि पर्दे वगैरह लगा देने, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसी बात में सफाई तो करी हुई इन्होंने, और रूम की सफाई करी हुई। पर देखो जो कपड़े मैं ऐसे रखी गई थी ना, वो ऐसी चादर तो बिछा दी इन्होंने यहाँ पे। एक हाय अपना घर ना, एक बात बताऊ, अपना घर ही होता है ना। माइक में ना अगर थोड़ा सा कोई ऊंचे भी आवाज में बात कर ले तो बहुत बुरा लगता है। घर में रोज लड़ते हैं, रोज झगड़ते हैं। अपना घर बेटियों को अपने घर में रहना चाहिए। मैं सबको एक ही राय देती हूँ। ये देख, इसने ना ये लेके आया दीपावली, वो लेके आया था दुकान से किसी से, वो क्या बोलते रसगुल्ले। भाई मेरे बाल स्ट्रेट हुए। हनी के पापा बोलते ये क्या किया बालों का। मैंने कहा, हनी बोलता है ऐसे ही होते हैं, स्ट्रेट है, कांटे थोड़ी नहीं है, स्ट्रेट स्ट्रेट। तो इसको ना किसी ने, पता नहीं किसी ने दिया वो क्या बोलते है इसको ना एक्सपायरी डेट वाला। ये देख गाय है, बोले 40,000 रुपए मांगवा बंदा दे देना ना, अच्छी गाय होगी। वो छोटे ये बंदे देख तो हटा के, इतनी सी गाय इसका 40,000 कौन देगा? और प्लीज मेरे को गाय देखो, आजकल मेरे नजदीक के लोग मेरे को कांटेक्ट करो। कॉल था बीकानेरो रसदार लेवर छुदाई देना के, तो ही ना एक नंबर चीज है, राजस्थानी कंपनी है। हाँ, वो कहीं की भी हो, चाहे ब्रांच खुली है, कंपनी कंपनी होती है वो, चाहे महंगी हो पर अच्छी चीज मिलती है उनके पास। नया खुला है तो गाय 10 मांग भेजने वापो। ये देखो इन्होंने ये वाला ना ऐसे रखा हुआ यहाँ पे। हाय मेरे को अपने घर की बहुत याद आती है, सच्ची में आ रही थी। चलो रुको रे, चलो भगवान के पास भी मत्था टेक लो, आज हम पूजा करेंगे। यहाँ पे भी लगा दो भाई सारी लड़ियां, माता के लगानी एक। अच्छा लड़ी चल भगवान जी, खिला खाला कुछ नहीं है। काली मिर्ची हींग पता है, धुआं दाल जो धोती दाल होती है ना, मैं उसको बनाना सिखा रहा है। अब इनको मैं दूंगी, पर पहले मैं तय लाके रखूंगी इनको, नहीं तो फिर खराब हो जाते हैं हमारी धोती दाल। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो ये गड्ढे तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, ये देखो बैक कैमरे से दिखाती हूँ, है ना। ये देखो 1 2 3 4 ये लग चुका है हमारे यहाँ पे कौशिक का काम।
कंप्लीट हो गए। अब हमने सामान लाना है वहां से, ये देखो सामान लेके आएंगे, फिर मिस्त्री जा जाएंगे। बस आज दिवाली है, कल फिर परसों से हो जाएगा शुरू, ठीक है। बढ़िया बारिश हो गई, मेरे को बहुत खुशी है, पता है मेरे को ना सच्ची में अपने घर की बहुत याद आती है। अब ना हम क्या कर, देखो हनी ने कितनी बढ़िया लड़ियां लगाई, रात को लगेंगी बहुत सुंदर। और हम ना क्या बोलते, ये बारिश इतनी अच्छी, मेरे को इतनी खुशी हुई ना बारिश की। ये देखो काफी बारिश हो गए, यहाँ तक आएगा आंगन, ज्यादा आगे तक नहीं आएगा, यहाँ तक रहेगा आंगन, यहाँ तक। इधर को हमारे को काफी जगह बच गई लगाने के लिए। और बारिश ना मेरी दुकान के ना, देखो ये लोगों की ये कितनी अच्छी हो गई, चाहे किसी की हो लेकिन फसल के लिए बहुत जरूरी है बारिश ना। तो ये देखो ये इन्होंने उखाड़ के रखी है वो सेब की डाली, पर इसको लगा देते ना तो सही था। इन्होंने देखो कितने बढ़िया तरीके से, अब इसका समझ नहीं आ रहा है ये वहां से उखाड़ी ना, इसका समझ नहीं आ रहा है कि हमने लगानी कहाँ पे, वहां थी ना परे वहां पे। तो कहाँ लगाऊं मैं, यहाँ लगा दो इसको, यहाँ पे मेरे आईडी में यहाँ पे ठीक रहेगी, यहाँ पे इस वाले। अरे पापा ये तिलगांगे सा, ये तिलगांगे सा से वही डाली लगा इंदू है ना। और ये देखो यहाँ पे, और एक चीज आपको दिखाऊं ना, अब यहाँ अरे अंब की डाली है पर यहाँ लगेगा नहीं है, बस ऐसे हो रखी है पर लगेगा नहीं। और देखो हमारी मेथी कितनी बढ़िया होगी, मेथी हमारी बहुत बढ़िया लग गई, ठीक है। ये देखो और आगे भी उग गया कुछ ना कुछ, मेथी उग गई ना, पालक निकला भी पालक थोड़ा लेट निकलता है, निकलने लग गया शायद थोड़ा थोड़ा, काफी बारिश हुई। और यहाँ पे गाजर, ये मूली है इस साइड, देखो मूलियां तो निकल गई, मूली निकल गई, फिर गाजर नहीं भी निकले। पर मुझे यकीन भी नहीं है कि गाजर निकल भी सकती है, मुझे नहीं पता, लगता नहीं, पता नहीं। दे दो एक दो को, जना दे दो खा हो, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमने मटर लगाए, इनको तो पानी नहीं दिया टाइमली, नहीं तो ये पानी हुआ ही नहीं। ये देखो ऊपर निकल गए, तो इस पूरे वाले एरिया में मटर लगे, मटर कोई कोई तो निकल गया, कोई कोई पता है, दानिया भी ऊपर ही है। ये देखो ये वाला मटर तो उग गया, प्रकाश सो रहे होने थे मटर आज, प्रकाश सो रहे। ये किनी खरवाटे थी, ये किनी खरवाटे है। और यहाँ पे लगाया था हमने सरसों और राई साग के लिए, बस साग के लिए सिर्फ। और इस वाले पोर्शन में आ जाओ, यहाँ पे लगाया हमने धनिया, ठीक है। धनिया तो लेट उगता है, सबसे लेट में उगेगा। और लहसुन, लहसुन हमारा हो गया, ये देखो उग गया, बस अपने गुजारे के लिए लगाया वो हमने, कोई ज्यादा लगा रखा है। आके पहले पूरे अपने घर का मुआयना करके, कितना काम हुआ, क्यारियां वगैरह देख के, पता क्या होता है, निकल गया बेटा। अपना घर ना अपना घर ही होता है, कोई नहीं आता साथ ना कोई काम आता है, अपने बच्चे अपनी फैमिली बनाओ अच्छे तरीके से। वो देखो कितना बड़ा कद्दू लग रहा, नहीं आप आते दे, मैंने दस्ता तो पता नहीं जो देना दे, उन्हें क्या करना। तो ये देखो और अपने नुंदा नहीं, फिर क्या करे, सारे यही हाल से आज देखा करते। और ये हमारी श्यामा है, और ये हमारी यहाँ पे सिया को हमने यहाँ पे बांध दिया के मैं बच्चा मेरी सुंदरी की है, मेरी सुंदरी है ना। दुई तो क्या बोलना माँ, तो एक बोले माँ के सदन लिए पे तेरे चलो खुला कर चाहे ना भैया, अरे वीडियो बना करे ही। तो ये दोनों लड़ते रहते हैं और मैं काम करती रहती हूँ। मैं दिखाऊंगी ना कि लड़ाई आपको ना,
और आज दिवाली के दिन भी इनको चैन नहीं है। अरे तो मजा आ गए। तो नीचे से आके ना पहले मेरे को ये काम है, फिर मैंने आग जलानी है, ठीक है। और मैं चार दिनों से यहाँ पे मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। और मैंने पता क्या करना है, एक चीज और मैंने ना, फिर मैं आटा लेके आई हूँ चावल का, तो हम बनाएंगे, ठीक है। इस दिया दस ना, बस बस अल्ट्रावाइट कर से नाते पीते हैं। तो ये देखो अभी हम जो है ना इसमें लगा दी हमने मिट्टी, और देश उठाया और इसको आगे से दिखाते हैं आपको। ये देखो ये रही चॉइस है हमारी। और अभी हम इसको रखेंगे, चूल्हा लिख दिया है, इसके ऊपर मैंने पत्थर रखे, और अभी तो इसमें बहुत कमियां है भाई, क्योंकि ये देखो कितना नीचे आ रहा है, तो बड़ा पत्थर हिल रहा है। चलो अब आपको मैं बाद में दिखाती हूँ जब ये सेट हो जाएगा, इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चौंसी रख दी है, चौंसी बोलते हैं इसको, और सूखे संतोखे बोलते हैं, अच्छे से आई हैं, तो फिर मन थोड़ा सा ही हो चाहे बना लेने चाहिए पकवान जो है दिवाली का। और मैं तो बस आते ही लग गई थी और बहुत थकी थी मैं, मेरे पास चलो बना देते हैं। और ये मैंने आटा छान लिया यहाँ पे, पहले चावल का आटा छाना, फिर थोड़ा सा उसमें मक्की सॉरी कणक का आटा मिलाया, गेहूँ का आटा, ठीक है। और अब मैं इसको घोल दूंगी अच्छे से, और थोड़ी देर ऐसे रखूंगी, उतने को हमारी चॉइसी गर्म हो जाएगी आग वगैरह जला के ना। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, ये देखो अब इसको घोल के रख देंगे। बस इस तरह से बनते हैं आइकुलू। तो चलिए अभी आटा हमारा हो चुका है, और मैं दो तीन पका भी चुकी हूँ, इनको बोलते हैं चिलड़ू। और इस तरह का जो आटा होता है हमारा चिलड़ुओं के लिए, चावल और थोड़ा सा कनक आटा डाला मैंने, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल ही कम, कई तो बिल्कुल भी नहीं डालते ना। तो ये देखो, और इस तरह की ये मैं कुछ बना भी चुकी हूँ, हाथ पूरी तरह से काले हो जाते हैं यहाँ पे चूल्हे के पास। और ये आग बहुत तेज जलानी पड़ती है, क्योंकि इसकी ना बार बार जो है आँच कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका जो ताव होता है ना वो ठंडा हो जाता है, फिर अच्छे से बनते नहीं है। देखो अभी भी कम हो गया, कम हो गई देखो आँच, ठीक है। और ये रही हमारी चॉइसी, तो यहाँ से हम लेते हैं ये जो है इनको भर देते हैं। आप लोगों ने तो पहले भी देखा होगा, ये हमारे यहाँ का चाहे थोड़े बनाने चाहे और सब्जी बना लेते हैं बीच में, कई लोग नहीं खाते हैं जैसे, लेकिन आज मैक्सिमम घरों में ये चीज़ें बनेंगी बनेंगी। हाँ अगर किसी के घर में कोई ऐसी वैसी बात ना हुई होगी तो जैसे कुछ भी मतलब बुरा, तो वो सारे घरों में ये बनाते हैं, ठीक है। मैं दो तीन बना चुकी हूँ ना, ये तो वैसे इस तरह के दिख रहे हैं। और अब हम इसके ऊपर रख देंगे ऐसे ढक्कन, वैसे ढक्कन भी मिट्टी का ही होता था, पर यहाँ पे नहीं है मिट्टी का, मैं सिर्फ चॉइस ही लेके आई थी, पुराने टाइम में होते थे मिट्टी के ढक्कन। अब ये आँच बिल्कुल एक बराबर लगी रहनी चाहिए, नहीं तो फिर ये नहीं बनेंगे। और मेरे जो एक साइड नहीं लगी आँच ढंग से ना, तो उस वजह से एक साइड को ना कम बन रहे हैं, इस तरह से आँच लगनी चाहिए। और ये ऊंची होती है, चूल्हे से ऊंचा होता है तब सारे में पहुंचती है इसमें, क्योंकि ये चौड़ी होती है ना, तो सारे में आँच पहुंचनी चाहिए तभी ये सारे पकेंगे। और फिर इस तरह से मैंने इनको पलट दिया, बस इस तरह से थोड़ा सा सेक लगाते हैं, ज्यादा नहीं। ये देखो इस तरह से ये पक जाते हैं फिर, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा सेक लगाना यहाँ पे इस तरह से, और बस ये फिर हो गया।
फिर तो ये देखो अभी मैंने ना ये कर दिया यहाँ पे बना दिए थे, पर इससे बाद का जो वीडियो है अब आपको अगले उसमें दिखाऊंगी अगली वीडियो में। तो सब लोगों ने बोला था कमेंट करके कि आप ना दिवाली का डालो, शादी की बाद में डालना, तो चलो शादी की बाद में डालेंगे। तो ये मैंने दिवाली का वीडियो डाल दिया। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप हमेशा खुश रहें, और सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, सभी लोगों को जितने भी हैं देख रहे हैं उनके परिवार वालों को सबको। तो इसी के साथ जय माता दी, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी दिवाली।